أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. So today our topic is one sample t-test, or it is also called simple t-test, right? One sample t-test, a simple t-test. सबसे पहले ये समझें कि ये हम कब लगाते हैं, ये अप्लाई जो हम करते हैं one sample t-test या simple t-test, कौन से डेटा पे हम अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं. अच्छा जी, तो सबसे पहले जब भी हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, याद रखिए कि आपके पास जो तीन अजम्पशन है वो फुलफिल हो, आपका पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है जी, स्टैंडर्ड डिविएशन आपके सैंपल का वो अप्रॉक्सीमेट कर रहा हो, हाँ, आपके पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन को वो अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो, और आपने सैंपल लिया है, रैंडम सैंपल लिया हुआ है, ठीक है ना, कन्वीनियंट सैंपल नहीं, रैंडमली आपने लोगों को सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस वक्त फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे जाते हैं, मतलब हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं. अब इसके लिए जी टेस्ट है जो हमने अप्लाई किया है, वन सैंपल टी टेस्ट है, पेयर सैंपल टी टेस्ट है, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, एनालिसिस ऑफ वेरियंस है, वन वे टू वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस, ठीक है जी. एक मिनट वेट करें. ओके जी, सो पहले आप अजम्पशन पूरा करेंगे, अजम्पशन का मतलब यहाँ पर कंडीशंस हैं, ठीक है जी. उसके बाद आपने जी टेस्ट, वन सैंपल टी टेस्ट, पेयर सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, आपने अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वन वे टू वे मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये आते हैं आपके उस डेटा सेट के लिए जिसमें आपका आउटकम वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूअस हो. आउटकम वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल या वो वेरिएबल जो आप मेजर करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, अभी आपके जो सीनियर हैं वो क्वेश्चनेयर यूज कर रहे थे, डंडी क्वेश्चनेयर, जो डंडी यूनिवर्सिटी ने सेटिस्फेक्शन के लिए, जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए या प्रोग्राम में सेटिस्फेक्शन के लिए स्टूडेंट पे वो अप्लाई कर रहे थे, तो वो लिकर्ट स्केल क्वेश्चनेयर था, लेकिन वो लिकर्ट स्केल 1, 2, 3, 4, 5 को प्लस करके SPSS में एक ऑप्शन होता है कि उसको प्लस किया जाता है, तो वो कंटिन्यूअस बन जाता है. यानी वो क्या मेजर करना चाहते थे, सेटिस्फेक्शन जो है ना वो मेजर करना चाहते थे ऑफ द स्टूडेंट्स या ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है ना, इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो चूंकि उनका आउटकम वेरिएबल एक कंटिन्यूअस वेरिएबल था, तो लिहाजा उस पर वो इन तमाम में से कोई भी टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं. यानी वो पेयर सैंपल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आया वो इंटरवेंशन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज मालूम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो बिफोर एंड आफ्टर वो पेयर सैंपल लगेगा. अगर दो ग्रुप्स लेंगे, मेल और फीमेल, तो फिर इंडिपेंडेंट लगेगा, और अगर दो से ज़्यादा ग्रुप लेंगे, तीन ग्रुप लेंगे, कोई तीन जो है वो इंस्टीट्यूट या तीन क्लासेस उसमें करना चाहते हैं, तो फिर वो अनोवा लगाएंगे, वन वे, इसी तरह टू वे, मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. तो आपने इसको समझना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो ठीक है, आपको पता चला कि व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस वेरिएबल हैं, फिर हाइपोथेसिस जो हैं वो एपिडेमियोलॉजिकल कौन से हाइपोथेसिस होते हैं, हाँ, या वेरिएबल्स होते हैं. ये सारी चीज़ें आपने समझने के बाद आप फिर इन टेस्टों को आप अप्लाई करते हैं. तो इनमें कुछ टेस्ट जो है ना वो पैरामेट्रिक होते हैं, कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं. पैरामेट्रिक टेस्ट वो हैं जो आपके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पे अप्लाई होते हैं. ठीक है जी, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पे अप्लाई होते हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर चुके हैं कि व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, जो बेल शेप बनाता हो, मीन मीडियन मोड जो है ना वो एक ही पोजीशन पे हो, एसिम्प्टोटिक हो, कंटिन्यूअस वेरिएबल हो, हाँ, टू पैरामीटर्स, मीन
म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इसको डिटरमिन करता है, ये इनके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब वन सैंपल टी टेस्ट उस वक्त लगेगा, ठीक है जी, आज माउस सही काम नहीं कर रहा, तो वन सैंपल अच्छा जी, ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ काम नहीं कर रही माउस पे, मैं थोड़ा सा पता नहीं इसके साथ मसला है। अच्छा जी, तो वन सैंपल टी टेस्ट हम उस वक्त अप्लाई करेंगे जब हम कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू लेंगे, हाइपोथेटिकल वैल्यू, ठीक है जी। हाइपोथेटिकल वैल्यू कहाँ से आएगा? आपके अपने जजमेंट से आएगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मेरी जो क्लास है कोई एक उठकड़ा के इनका एवरेज हाइट या वेट या इतना है, ये आपका हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ठीक है जी। एज अ मीन आप एक हाइपोथेटिकल म्यू ओ एक वैल्यू आप लेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे कि आया ये वाकई इस पॉपुलेशन के एक्चुअल मीन के बराबर है या नहीं है, एक्चुअल मीन के बराबर है या नहीं है, ठीक है जी। या फिर ये हाइपोथेटिकल वैल्यू प्रीवियस स्टडीज से आई है। फॉर एग्जांपल किसी ने आपके क्लास पे स्टडी की है, मैं अज्यूम करता हूँ आप फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर किसी ने आपके क्लास पे स्टडी कंडक्ट की और उसका मीन हाइट या वेट जो निकला वो कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू के तौर पर आप ले तो वो पब्लिश पे हो चुका है, लेकिन आप इसको चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं ये जो मीन है ये एक्चुअल मीन के बराबर नहीं है इस पॉपुलेशन के, इसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप दोबारा भी स्टडी उस पर कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपने समझना है कि वो वाला वैल्यू जो है मेरे लिए हाइपोथेटिकल वैल्यू है, ठीक है जी, और उसको आप कंपेयर कर रहे हैं किस चीज के साथ, एक्चुअल जो मीन है ऑफ द पॉपुलेशन उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं एक क्लेम के थ्रू, एक हाइपोथेसिस के थ्रू, हाइपोथेसिस पे टेस्ट कर रहे हैं कि आया ये बराबर है या नहीं है। तो ये वन सैंपल टी टेस्ट है। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, और अच्छा, और आपका सैंपल साइज जो है ना दैट शुड बी लेस देन 30। फॉर एग्जाम्पल इन डिटर्मिनिंग द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन ब्लड स्ट्रीम आफ्टर इट हैज बीन इंजेक्टेड टू अ पेशेंट विद अ रेयर डिजीज, इट माइट बी इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ रैंडम सैंपल ऑफ 30 और मोर ऑब्जर्वेशन एट अ गिवन टाइम, सो व्हाट टेस्ट प्रोसीजर कैन बी यूज्ड टू मेक इन्फरेंस अबाउट द पॉपुलेशन मीन म्यू। आप कंक्लूजन निकालते हैं पॉपुलेशन के मीन के बारे में, लेकिन आपके पास सफिशेंट सैंपल नहीं है, आपके पास जो लोग एडमिट हैं, फार्माकोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, और पढ़ी है तो कितना डेप्थ में पढ़ी है ये बताइए जरा। फार्माकोलॉजी सर बस ठीक पढ़ी है। ये डिजिटेलस ड्रग्स का पता है? डिजिटेलस पॉजिटिव नेगेटिव आइनोट्रोपिक जो ड्रग्स होते हैं कार्डियक डिजीजेस में यूज होते हैं, खासकर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। उस वक्त देते हैं जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी दिल की जो ताकत है वो इतनी नहीं होती कि वो ब्लड को इजैकुलेट करें, ठीक है जी। अब उसमें जो मरीज आते हैं, मतलब आपके पास जो पेशेंट होते हैं इक्का दुक्का कोई चार पांच मरीज जो है ना वो एडमिट होते, इससे ज्यादा नहीं होते, या अगर बहुत ज्यादा किया जाए तो हॉस्पिटल में आपके पास कोई 10-15 मरीज जो है ना वो हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस रेयर डिजीज है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक रेयर डिजीज है और सैंपल साइज आपके पास वो 30 या उस तक नहीं पहुंचता बल्कि 10-15 मरीज आपके पास हैं, फिर आपके पास क्या है, जी टेस्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते ना। जी टेस्ट हम किस वक्त अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास सैंपल साइज जो है वो 30 और मोर देन 30 हो और स्टैंडर्ड या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम हो। यहाँ पर तो आपको ना स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम होगा ना ही आपका सैंपल साइज 30 या मोर देन 30 होता है, तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं कौन से टेस्ट पे कि आप टी टेस्ट अप्लाई करें, वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करें, ठीक है जी। अच्छा जी, सो टी टेस्ट
पॉपुलेशन वेरियंस इज अननोन. ये है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है या वेरियंस है पॉपुलेशन का, वो अननोन होता है. रीजन क्या है कि जो रेयर डिजीज है इस पर किसने स्टडी की है दुनिया में, कि उसने तमाम पॉपुलेशन को स्टडी करके उसका वेरियंस निकाला हो? मुश्किल होता है. तो उसके लिए जो वेरियंस आप निकालते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, वो आपने सैंपल साइज से लेना होगा. जो सैंपल आप लेंगे उसी सैंपल में से आपने कैलकुलेट करना होगा. सैंपल साइज इज लेस देन 30, आपका जो सैंपल साइज है वो 30 से बिलो है. व्हाट इज अ टी टेस्ट? इन मोस्ट रिसर्च सिचुएशन द पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा आर अननोन बिकॉज द टेस्ट इज नॉवेल. नॉवेल मीन अनयूजुअल, न्यू, फ्रेश, ओरिजिनल, डिफरेंट, इनोवेटिव, यूनिक. एक यूनिक किस्म का टेस्ट होता है. द टेस्ट इज नॉवेल. फॉर एग्जाम्पल, आप डिजिटेलस ड्रग्स का जो है कंसंट्रेशन मालूम कर रहे हैं ब्लड में, तो सैंपल आप कितनों से लेंगे? कोई हार्डली 10-15 मरीजों से लेंगे. और अकॉर्डिंगली जब उनका लेवल जो है उस लेवल पे हो कि आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो अलाउ करता हो वो लेवल, तो तब आप एडमिनिस्टर करेंगे वो ड्रग. ड्रग आप देंगे फिर, ठीक है ना. एस्टिमेट बेस्ड ऑन सैंपल स्टेटिस्टिक मस्ट बी यूज इन प्लेस ऑफ द पैरामीटर. जो भी आपका एक्स बार है, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो इसी सैंपल में से आपने कैलकुलेट करना होगा. अच्छा जी, यूज ऑफ एस्टिमेशन रिड्यूसेस द सर्टेनिटी ऑफ द टेस्ट. ये कहते हैं कि यूज ऑफ एस्टिमेशन रिड्यूसेस सर्टेनिटी ऑफ द टेस्ट. इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? यूज ऑफ एस्टिमेशन रिड्यूसेस द सर्टेनिटी ऑफ द टेस्ट. यानी एक्चुअल चीज आपको मालूम है नहीं और आप सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये टेस्ट की रिलायबिलिटी और सर्टेनिटी को कम कर देगा ना, क्या नहीं? हर वक्त जब आप अंदाजों पे यकीन करेंगे तो अंदाजे तो गलत भी साबित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. हाँ जी, अंदाजे गलत हो सकते हैं ना. एस्टिमेशन आर जस्ट लाइक गेसिंग. अंदाजे होते हैं ना, अंदाजा हर वक्त ठीक तो नहीं होता. तो किसी भी चीज के बारे में आप जब रियलिटी को डिग आउट करते हैं और जब आप एस्टिमेशन लगाते हैं, तो हर वक्त ठीक नहीं होता. हो सकता है कोई बड़े जीनियस लोग हो और वो गुल मिले हो उस पॉपुलेशन में, और वो अगर कोई अंदाजा लगाएं तो फिर तो हो सकता है. लेकिन हर कोई अंदाजे लगाने शुरू कर दें और उस पर आप रिलाई करना शुरू कर देते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट होगा ना. मतलब आपके जो यकीन की जो सर्टेनिटी है वो कम हो जाएगी ना. यकीन आप इतना नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है, फॉर वेरी लार्ज सैंपल द टी टेस्ट एंड जी टेस्ट आर आइडेंटिकल. और जी टेस्ट टी टेस्ट फिर बराबर हो जाते हैं. मेरे ख्याल में जब 36 पे आपका सैंपल साइज पहुंच जाता है, तो इन दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस रहता है, और ये बिल्कुल बराबर हो जाते हैं जब आपके पास सैंपल साइज 120 तक पहुंच जाता है. तो फिर जी और टी टेस्ट में कोई फर्क नहीं होता. आप जी टेस्ट अप्लाई करें, आप टी टेस्ट अप्लाई करें, दोनों एक ही चीज है. ठीक है जी, टी टेस्ट आर जस्ट लाइक जी टेस्ट एक्सेप्ट दे कंपनसेट फॉर द इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी ऑफ स्मॉल सैंपल साइज. दोनों आप लगा सकते हैं, लेकिन जी की जगह जब आप टी लगाते हैं तो आपके पास कोई जवाब होना चाहिए ना. और वो जवाब ये है कि जी टेस्ट जब आप छोटे सैंपल साइज पे लगाते हैं, जब स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो पॉपुलेशन का, और आप फिर भी उस पर जी टेस्ट लगाते हैं, तो आपके रिजल्ट में गड़बड़ ज्यादा हो सकता है बनिस्पत टी टेस्ट के, क्योंकि टी टेस्ट स्मॉल सैंपल साइज को कंपनसेट करता है. स्मॉल सैंपल साइज को वो कंपनसेट करता है. ठीक है जी, वो कंपनसेशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के बुराई बयान कर दी किसी के सामने, और फिर सडनली आप तारीफ पे उतर आए, तो आप कहते हैं कि मैं कंपनसेट कर रहा हूँ उस बेइज्जती को जो मैंने औरों के सामने आपकी की है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, कवरेज देने के लिए आप तारीफ पे भी उतर आते हैं ताकि उसकी इज्जत में इजाफा हो. तो जी और टी टेस्ट के इस्तेमाल में, जब जी टेस्ट छोटे सैंपल साइज पे अप्लाई होता है, हाँ, तो गलती आप ज़्यादा कर जाते हो. उसकी जगह जब आप टी टेस्ट अप्लाई करते हो तो उसको कंपनसेट करते हो. ठीक है जी, कंपनसेट करते हो. यूज ऑफ टी टेस्ट वर्सेस जी टेस्ट. जी टेस्ट म्यू इज नोन, हाँ, सिग्मा इज कंप्यूटेड, एक्स बार इज कंप्यूटेड, एक्स बार इज द सैंपल मीन, और म्यू इज नोन, सिग्मा इज नोन. सिग्मा आपके पास नोन, अगर नोन नहीं है तो फिर इसके लिए क्या है कि सैंपल साइज आप बढ़ा दीजिए 30 और मोर देन 30, ताकि आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकले वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन को
अप्रॉक्सिमेट कर सके. टी टेस्ट म्यू इज हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू आर प्रेडिक्टेड वैल्यू नॉट कंप्यूटेड एंड जनरली नॉट नोन. जैसे मैंने कहा कि आप क्लास में खड़े हो गए और आपने कहा कि भाई इसका मीन वेट जो है वो इतने के बराबर है, आपको क्या पता, आपने मेजर नहीं किया और एक्चुअली जो एक्चुअल मीन है वो मालूम भी नहीं है, एक्चुअल मीन मालूम नहीं होता जब तक आप करें नहीं. तो जब बहुत ज़्यादा आबादी में आप जाते हैं तो आप एक्चुअल मीन का आपको नहीं पता होता, ठीक है ना. करोड़ों और लाखों की आबादी में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे. एक्स बार इज कंप्यूटेड, सिग्मा इज अननोन, एस इज कंप्यूटेड एंड एस्टिमेटेड फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन. जैसे मैंने कहा कि टी टेस्ट जब आप अप्लाई करते तो आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम नहीं होता, और स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ से लेते हैं, जो सैंपल आपने लिया है वहाँ से कैलकुलेट करते हैं. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन के बराबर होता है, यानी जितना सैंपल साइज आपने लिया है, सैंपल साइज उससे एक अगर आप माइनस करें तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं लेकिन आपके लिए इतना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप टी टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए. डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मालूम है तो उसके सामने अल्फा के वैल्यू के बिल्कुल नीचे आपको उसी डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने यानी एन माइनस वन के सामने उसका वैल्यू दिया जाता है. जैसे आप जी टेस्ट में टेबल से वैल्यू मालूम करते थे उसी तरह टी टेस्ट के लिए आपने टेबल से जो है ये मालूम करना होगा. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हाउ वेल डज एस अप्रॉक्सिमेट सिग्मा, डिपेंड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम. अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना ज्यादा होगा यानी सैंपल साइज अगर आपका बढ़ेगा तो आपका जो एस है वो सही तरीके से पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को अप्रॉक्सिमेट करेगा, और अगर आपका सैंपल साइज छोटा है तो फिर जो